चलो आज हम टेक्निक सीखेंगे, किसी भी 3 डिजिट के नंबर को दूसरे 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे को क्या सीखना है? मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर विद एनी 3 डिजिट नंबर यूजिंग द शॉर्टकट टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, 121 को 123 से मल्टीप्लाई करना है। तो 121 को 123 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक पैटर्न को यूज़ करेंगे। तो आप उस पैटर्न को सबसे पहले देख लो। स्टेप वन, दिस इज स्टेप टू, दिस इज स्टेप थ्री, दिस इज स्टेप फोर एंड दिस इज द लास्ट स्टेप। तो आपको ये पैटर्न्स तो अब समझ में आ ही गए होंगे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में इनका मतलब बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्टिकल लाइन? इट मीन्स वन को थ्री से मल्टीप्लाई करना था। थ्री वन जार थ्री, कुछ भी कैरी नहीं है, सिंपल रख दिया। क्रॉस का क्या मतलब है? टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू वन, थ्री टू जार सिक्स प्लस टू एट, कुछ भी कैरी नहीं है, छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग, अब इसका क्या, इस पूरे जो ये स्टार सा बना हुआ है सिंबल, इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/1 प्लस 2/2, तो 3 × 1 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8। फिर क्रॉस आ गया, पर अब नोटिस करिए कि ये क्रॉस कौन सी डिजिट्स के लिए सिंबल बनाया गया है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 प्लस 1 × 2, तो 2 + 2 4, कुछ भी कैरी नहीं है। लास्ट स्टेप, फिर एक वर्टिकल लाइन है, यानी 1 × 1 1। तो दिस इज द आंसर। एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं। 192 मल्टीप्लाई बाय 134, 4 × 2 = 8, 9 × 4 = 36 प्लस 3 × 2 = 6, 36 + 6 42, 2 × 4 कैरी, 1 × 4 = 4 प्लस 2 × 1 = 2 = 6 प्लस 9 × 3 = 27, दैट इज 33 प्लस 4 = 37, 3 कैरी, 1 × 3 = 3 प्लस 9 × 1 = 9, 9 + 3 = 12 प्लस 3 = 15, 1 कैरी, 1 × 1 = 1 प्लस 1 = 2, दिस इज द आंसर। इंटरेस्टिंग, तो आपने सिर्फ इस पैटर्न को दिमाग में रखना है। इसको याद करने का एक और आसान सा तरीका, वर्टिकल लाइन देन क्रॉस देन स्टार देन क्रॉस देन अगेन अ वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। थैंक यू।